हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शहर की जो उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में से एक है। इस शहर को उत्तर प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर होली जैसे त्योहारों को 7 दिनों तक मनाया जाता है। एक सर्वे के अनुसार इस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है और साथ ही में भारत के इस खूबसूरत शहर ने दुनिया में लेदर सिटी के नाम से भी लोकप्रियता हासिल की है। ये एक ऐसा शहर भी है जहां पर कई बॉलीवुड फिल्मों को भी शूट किया गया है। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे बड़े शहर कानपुर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कानपुर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों ने शायद ही सुनी होंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं कानपुर शहर के शानदार सफर पर। तो सबसे पहले बता दें, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कानपुर शहर, यहाँ की कैपिटल लखनऊ से 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और साथ ही में इस शहर को उत्तर प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल कहने के साथ साथ यहाँ की कॉमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। कानपुर शहर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 38 लाख के आसपास है, जिस वजह से कानपुर उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का 12वां सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। इस शहर में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी काफी अधिक है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 78% हिंदू, 19% मुस्लिम, 1% सिख और 2% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 85 है। कानपुर शहर अपने उत्तम गुणवत्ता वाले चमड़े और कपड़ों के उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दुनिया के किसी अन्य शहर के मुकाबले इस शहर में सबसे ज्यादा लेदर फैक्ट्रीज पाई जाती हैं, जिस वजह से इस शहर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही में भारत की पहली ऊनी कपड़ा मिल, जिसे लाल इमली के नाम से जाना जाता है, उसे भी कानपुर शहर में ही खोला गया था। इस शहर ने कपड़ों के उद्योग में काफी लोकप्रियता हासिल की है, जिस वजह से इस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट यानी पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कानपुर भारत के उन इकलौते शहरों में से एक है जहां पर होली को 7 दिनों तक खेला जाता है। यहां के लोग होली जैसे त्योहार को 7 दिनों तक बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा कानपुर शहर में बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी शूट किया गया है, जिसमे दबंग 2, शादी में जरूर आना, बाला, तनु बैट्स मनु आज फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कानपुर को दुनिया का सबसे खराब एयर पॉल्यूशन वाला शहर माना गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के इस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कहा गया है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर है गंगा नदी। यहाँ दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसे कानपुर शहर की सीमाएं 7 शहरों से लगती हैं, जिसमें कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन और औरैया शहर शामिल है। कई फेमस सेलिब्रिटी जिसमें कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, पूनम ढिल्लों, अमित सियाल, कृतिका शेंगार, अंकित तिवारी आदि मशहूर लोगों का जन्म कानपुर शहर में हुआ है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है इस शहर का नाम कानपुर कैसे पड़ा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस शहर की स्थापना 1803 में राजा हिंदू सिंह ने की थी। उन्होंने इस शहर का नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कन्हैयापुर रखा था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इस शहर को कन्हैयापुर से कान्हापुर और कान्हापुर से कानपुर के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा कोलकाता के बाद कानपुर में भारत का दूसरा सबसे पुराना 9-होल गोल्फ कोर्स भी मौजूद है। कानपुर उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक शहरों में से एक है। अगर यहाँ पर घूमने फिरने की बात की जाए तो यहाँ पर घूमने के लिए काफी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ पर हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर घूमने के मुख्य जगहों में ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क, जेके टेम्पल, ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम, कानपुर जू, मोती झील, कानपुर म्यूजियम, इस्कॉन टेम्पल, नाना राव पार्क आदि जगह शामिल है। अगर आप लोग कानपुर आने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें, देश के कुछ बड़े शहरों से आप लोगों को कानपुर के लिए डायरेक्ट बस, ट्रेन और फ्लाइट मिल जाएगी। तो गाइस, टाटा बाय बाय। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।